नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आंखों के बारे में, आंखों की समस्या के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस, आंखें ईश्वर प्रदत्त अनमोल उपहार है। यदि आंखें ना हों तो मनुष्य के लिए दिन रात का कोई फर्क नहीं रहेगा, जीवन नीरस और व्यर्थ लगने लगेगा। शायद यही कारण है कि सभी इंद्रियों में आँखों को प्रधान कहा गया है, अर्थात सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण कुदरत ने आँखों के बचाव हेतु इसकी रचना इस प्रकार की है कि क्षति होने की आशंका कम से कम हो। आगे की तरफ से दो पलकें तथा पीछे से बोनी सॉकेट इसे चोट से बचाती हैं। इसी तरह नेत्र गोलक के अग्रभाग को आवृत करने वाली झिल्ली होती है, जो पारदर्शक होने के अत्यधिक रक्ताधिकयुक्त लेयर की बनी होती है। संक्रमण से बचाव हेतु अश्रु स्राव होता है, फिर भी धूल आदि के संपर्क से संक्रमित पानी के द्वारा नहाने या चेहरा धोने पर या फिर संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इस पारदर्शक झिल्ली में संक्रमण हो जाता है, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। यह कंजक्टाइवा में होने वाली सामान्य व्याधि है। कंजक्टाइवा में होने वाला संक्रमण निम्न तरीके से हो सकता है। एक्सजीनियस इस प्रकार से होने वाला संक्रमण प्रायः बाह्य वातावरण से होता है, जो जीवाणुओं द्वारा या फिर बाहरी पदार्थ धूल आदि के द्वारा हो सकता है। एंडोजीनियस, इसमें होने वाला संक्रमण प्रायः ब्लड बोर्न इन्फेक्शन अथवा एलर्जिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या सामान्य उपापचय बाधा जैसे कि गौट द्वारा हो सकती है। लोकल, आसपास के क्षेत्रों तथा त्वचा अश्रु ग्रंथि में संक्रमण होने पर कंजक्टाइवा कभी कभी संक्रामित हो जाती है। कंजक्टाइवा में होने वाला संक्रमण जीवाणु, वायरस, एलर्जी जन्य अथवा अभिघात आदि के कारण हो सकता है। सभी में अपना अपना एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। कुछ कंजक्टिवाइटिस का परिचय निम्नानुसार है। जीवाणु जन्य कंजक्टिवाइटिस, आँखों में लालिमा पाई जाती है। रक्त वाहिकाओं के कारण आँखों में शूल चुभने के समान प्रतीत तथा कष्ट होता है। प्रकाश सहन करने में तकलीफ होती है। आँखों में कीचड़ पानी आता है, जिस कारण पलकें आपस में चिपक जाती हैं। देखने में भी कष्ट होता है। सामान्य तौर पर यह एक आँख में प्रारंभ होता है, जो कि आगे चलकर दूसरी आँख में भी हो जाता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो कॉर्निया में व्रण तथा पलकों के ऊपर सूजन हो जाती है। कुछ संक्रमण में झिल्ली का भी निर्माण कंजक्टाइवा में हो जाता है, जिसे मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस, इस प्रकार के संक्रमण में कंजक्टाइवा में फॉलिस सेल्स अर्थात गोल उच्छेद का निर्माण हो जाता है, जो समानांतराल रेखा में होते हैं। इनके बीच में कंजक्टाइवा की आकृति स्वाभाविक रहती है। स्राव कम निकलता है। यह ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। कंजक्टिवाइटिस, इस प्रकार के संक्रमण में रक्ताधिक्य अधिक होता है। अश्रु स्राव जलीय प्रकार का होता है तथा इओसिनोफिल प्रायः मिलते हैं। पोलेंस, वेजिटेबल या औषधि जैसे पेनिसिलिन, एट्रोपिन आदि कारण हो सकते हैं। आँखों में खुजली तथा चुभन होती है। कभी कभी गर्मी के दिनों में बालकों को एलर्जन के द्वारा भी कंजक्टाइवा में हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जो ठंड में शांत हो जाती है। इसमें खुजली अत्यधिक होती है तथा प्रकाश असहता एवं अश्रुस्राव के साथ आँखों में जलन होती है। आयुर्वेद में सर्वगत नेत्र रोग के अंतर्गत अभिस्यंद का वर्णन व्यापक रूप से मिलता है। सर्वगत कहने का तात्पर्य है कि ऐसे नेत्र रोगों में नेत्र का संपूर्ण भाग आक्रांत होता है। इसे आयुर्वेद में भी संक्रामक व्याधि माना गया है और कहा गया है कि एक साथ चलने फिरने, शरीरावयवों के अधिक संस्पर्श से
एक साथ खाने पीने से, एक बिस्तर पर सोने से, वस्त्र और अनुलेपन द्रव्य परस्पर प्रयोग करने से, कुष्ठ, ज्वर, शोष, अभिसंध रोग एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। सामान्य भाषा में इसे आंख का आना कहा जाता है। स्यंद का शाब्दिक अर्थ है बहना या श्रावित होना। अतः अभिसंध का सामान्य अर्थ हुआ आंखों का ऐसा रोग जिसमें स्रावाधिक्य हो। दोषानुसार यह चार प्रकार का बताया है, जिसमें वातिक में सुई चुभने के समान वेदना, करकरीना, सूखापन, गर्म अच्छा लगना, पैतृक में जलन तथा शीतलता का अच्छा लगना, कफज में गाढ़ा स्राव निकलना तथा सूजन होना, रक्ताज में सिराए अत्यधिक रक्तपूर्ण दिखाई देती हैं। चिकित्सा में कंजक्टिवाइटिस संक्रमण से होने वाला रोग है, अतः संक्रमण से बचाव हेतु व्याधि क्षमता को बढ़ाना परम आवश्यक है। साथ ही कारण को दूर करना प्रथम चिकित्सा सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में बताई गई चिकित्सा द्वारा भी इसे बचा जा सकता है। आमल की फल के रस का अथवा शोभंजन पत्र के स्वरस का सेंक करना, स्फटिका का दूध तथा जल में जल के साथ सेंक करना, मुलेठी का दूध तथा जल के साथ सेंक करना, दारू हरिद्रा क्वाथ से आँखें धोना, आँखों को पूर्ण विश्राम देना, आँखों का दिन में कई बार गुलाब जल, त्रफला जल से प्रक्षालन करना, हरिद्रा खंड, स्वादिष्ट बेचन चूर्ण, आविपत्ति का चूर्ण का सेवन करना, इसकी सावधानियां हैं। आँखों को संक्रमण से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि कंजक्टाइवा का हवा, धूल, धुआं आदि से सीधे संपर्क ना हो। जब भी बाहर से लौट कर आए आँखें एवं मुंह स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के रुमाल, तौलिया आदि को अलग रखना चाहिए तथा उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें। हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, ताकि शरीर की व्याधि क्षमत्व शक्ति का विकास हो। कंजक्टिवाइटिस की स्थिति में बार बार अपनी अंगुलियों से आँखों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आँख में कंजक्टिवाइटिस हो उसी तरफ सोना चाहिए, ताकि आँख से निकला हुआ स्राव दूसरी स्वस्थ आँखों के संपर्क में ना आए। दिन में 3 बार सुखोष्ण लवण जल से आँखें धोना चाहिए, जिससे स्राव हटने में मदद होती है, परंतु बार बार इससे बचना चाहिए, अन्यथा यह अश्रु में उपस्थित लाइसोजाइम की ड्यूलिट्स कर देता है। त्रफला जल से कम 1 बार आँखें धोना चाहिए। एलर्जी जन्य कंजक्टिवाइटिस में एलर्जी के कारण का पता लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।